छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव पुलिस द्वारा नवाभियान कार्यक्रम के तहत साइबर जागरूकता और नशे के खिलाफ एक महत्वपूर्ण अभियान चलाया गया। जिले के 168 स्कूलों और कॉलेजों में एक साथ इस अभियान का आयोजन किया गया, जिसके परिणाम स्वरूप गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में राजनांदगांव पुलिस का नाम दर्ज किया गया। IG दीपक कुमार झा ने बताया कि इस कार्यक्रम के अंतर्गत साइबर क्राइम और नशे के खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। आज एक ही समय में 168 स्थानों पर पुलिस और जिला प्रशासन के अधिकारियों ने साइबर अवेयरनेस कैंपेन चलाया, जो आज एक रिकॉर्ड बन गया है। राजनांदगांव SP और कलेक्टर को मैं बधाई देता हूं। ये राजनांदगांव पुलिस के द्वारा नवाभियान एक कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जिसके तहत साइबर क्राइम के विरुद्ध और नशा के विरुद्ध एक अवेयरनेस कैंपेन चलाया गया है। आज एक ही समय में 168 लोकेशंस में 168 लोकेशंस में अलग अलग स्कूल कॉलेज विद्यालयों में अधिकारियों के द्वारा, पुलिस के अधिकारियों के द्वारा, प्रशासन के अधिकारियों द्वारा साइबर क्राइम के विरुद्ध साइबर अवेयरनेस का एक कैंपेन चलाया गया। और उसको देखते हुए हमारे इस गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के माध्यम से इसको जो है सम्मानित किया गया, प्रशस्ति पत्र सर्टिफिकेट दिया गया, और निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी उपलब्धि है साइबर अवेयरनेस के लिए। मैं राजनांदगांव पुलिस अधीक्षक श्री मोहित गर्ग एवं उनकी पूरी पुलिस टीम को बहुत बधाई देता हूँ इस प्रकार का एक आयोजन रखवाने के लिए और इस गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम दर्ज करने के लिए। नवाभियान योजना के तहत साइबर जागरूकता अभियान, उसके तहत आज 168 जगह पे एक साथ जागरूकता अभियान किया गया और इसमें पूरे जिले में लगभग 50,000 लोगों को जागरूक करने का एक अभियान रखा गया था। पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव IG महोदय के मार्गदर्शन में और पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव उनकी पूरी टीम ने और सभी लोगों ने इसमें खूब अच्छे से बढ़ चढ़ करके लोगों को जागरूक किया। इससे न केवल उन लोगों में जागरूकता आई बल्कि ये भी एक मैसेज गया है कि अपने आसपास के लोगों को वो लोग भी जागरूक करेंगे। साइबर फ्रॉड जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है और इससे काफ़ी लोगों को नुकसान होता है, तो आज इसके इस अवसर पे चूंकि इतने जगह पे एक साथ और इतने लोगों को एक साथ जागरूक किया गया है, तो SP राजनांदगांव पुलिस राजनांदगांव का नाम गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आज जुड़ा है, उसके लिए पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। आज एक बड़ी उपलब्धि राजनांदगांव पुलिस को मिली है गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के माध्यम से। राजनांदगांव पुलिस को सम्मानित किया गया है। आज हम लोगों ने 168 लोकेशंस पर पूरे जिले में पुलिस की विभिन्न टीम्स के द्वारा और प्रशासन के अधिकारियों के द्वारा करीब 50,000 के आसपास बच्चों को और युवाओं को साइबर सिक्योरिटी अवेयरनेस और नशा विरुद्ध जो जानकारी दी गई है, ताकि जो अभी आने वाले समय में सबसे बड़ी इशू है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, वो साइबर क्राइम्स, जिससे सभी लोग कहीं ना कहीं पीड़ित हैं और नशा भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो समाज को अंदर से कहीं ना कहीं निचोड़ के रख देता है, ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो इन दोनों ही समस्याओं को कंट्रोल करने के लिए जिले में राजनांदगांव पुलिस के द्वारा नवाभियान कार्यक्रम चलाया जा रहा है। उसी कार्यक्रम के अंतर्गत आज ये एक्टिविटी की गई। साथ ही पुलिस मुख्यालय के द्वारा साइबर जागरूकता पखवाड़ा भी 5 से 19 अक्टूबर के बीच में चलाया जा रहा है। उसके अंतर्गत भी हम लोगों ने नवरात्रि से लेकर अभी तक बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं और एक बहुत बड़ी उपलब्धि है राजनांदगांव पुलिस के लिए। हमारे SP सर पुलिस डिपार्टमेंट राजनांदगांव ने लगभग 218 अलग अलग स्थानों पर नशे के विरोध में और साइबर जागरूकता के विषय में अलग अलग ट्रेनिंग दी, जो लगभग 218 जगहों पर की गई। अभी प्रोविजनल सर्टिफिकेट हमने दिया है, जब एविडेंस हमें पूरा मिल जाएगा तो एक हफ्ते के अंदर हम ओरिजिनल सर्टिफिकेट प्रदान करेंगे। तो आज आधिकारिक रूप से राजनांदगांव पुलिस SP सर हमारे गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में रिकॉर्ड होल्डर हुए हैं। तो आप सभी को बहुत बधाई, राजनांदगांव जिले को भी बहुत बधाई, पुलिस डिपार्टमेंट को भी बहुत बधाई।